लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की संवेदनाएं मर चुकी हैं, यह दोनों लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके अनुयायी अन्नदाताओं पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। आज किसान अपनी जायज मांगों के लिए 10 मई से बैठे हैं, जिनको गाड़ियों से कुचला जा रहा है। जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि इस देश में नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक इन सब की संवेदनाएं मर चुकी हैं। इस देश का अन्नदाता, जिसे हम किसान को अन्नदाता भाषण तक बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी सारे लोग, उस अन्नदाता के जीवन को कुचला जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। एक केंद्र का मंत्री, गृह मंत्री, उसका लड़का उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में दादागिरी से उसके अनुयायी किसानों पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं, 8 मरते हैं किसान, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। मतलब बीजेपी किसान को नेस्तनाबूत करने पर लगी है। लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पे 10 महीने से बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी वाजिब मांगों के लिए। क्या उस किसान को जो देश का अन्नदाता माना जाता है, उसे अपनी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? लेकिन लोकतंत्र की हत्या और अपने हक की आवाज उठाने वाले लोगों की हत्या का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ। सीहोर से यूडी न्यूज के लिए रायसिंह मालवी की रिपोर्ट।